दोस्तों, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला कल यानी 25 सितंबर को खेला जाने वाला और ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो टीम ये मुकाबला जीतेगी वो ये सीरीज जीत जाएगी। सीरीज अभी 1-1 से बराबर चल रही है, तो ऐसे में इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, वो ये मुकाबला कितने बजे और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा, बारिश होने की कितने परसेंट से चांसेस हैं, मैं लाइव कैसे और कहां देख सकता हूं, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला। तो दोस्तों, वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 कैमरन ग्रीन ऑरन फिंच ओपन ने करने वाले हैं। 3 नंबर पर स्टीव स्मिथ, 4 नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल, 5 नंबर पर टीम डेविड, 6 नंबर पर जॉस इंग्लिस, 7 नंबर पर मैथ्यू वेड, 8 नंबर पर जॉस एजलवुड, 9 नंबर पर एडम जंपा, 10 नंबर पर नथन इल्स और 11 नंबर पर पैट कमिंस रहने वाले हैं। वहीं इंडिया की प्लेइंग 11 केएल राहुल, रोहित शर्मा ओपन करने वाले हैं। 3 नंबर पर विराट कोहली, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 6 नंबर पर ऋषभ पंत, 7 नंबर पर दिनेश कार्तिक, 8 नंबर पर अक्षर पटेल, 9 नंबर पर जसप्रीत बुमराह, 10 नंबर पर हर्षल पटेल या फिर भुवनेश्वर कुमार और 11 नंबर पर युजेंद्र चहल रहने वाले। तो दोस्तों, ये रही दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में रहने वाले। तो टीमों की प्लेइंग 11 दो से तीन बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं डेट टाइमिंग्स एंड वेन्यू की। तो इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला 25 सितंबर को खेला जाएगा और यह मुकाबला इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होने वाला। वहीं वेन्यू की बात कर तो यह मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाने वाला है। वहीं अगर हम बात करें वेदर की तो वेदर हैदराबाद का पूरी तरह से क्लियर रहने वाला है, मात्र 11% बारिश होने के चांसेस दिखाई दे रहे थे, यानी कि हमको यह मुकाबला पूरी तरह से 20 ओवर देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं लाइव की तो इंडिया में लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क कर रहे हैं, वहीं मोबाइल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो। तो दोस्तों, ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। जहां 3 मैचों की सीरीज में सीरीज 1-1 से बराबर चल रही है, पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीत दर्ज की जबकि दूसरे T20 मैच में इंडिया ने जीत दर्ज की, तो यह तीसरा मुकाबला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहेगा। जो टीम मैच जीतेगी वो सीरीज भी जीत जाएगी। तो दोस्तों, आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।